इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को वर्मा यूनियन हॉस्पिटल में नर्स की तैयारी कर रही युवती की आत्महत्या में एक नया मोड़ आया है, जहां रायसेन जिले के एक पुलिसकर्मी द्वारा उसे प्रताड़ित करने के चलते युवती ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया था। पुलिस ने रायसेन में पदस्थ पुलिसकर्मी जयप्रकाश के खिलाफ धारा 306 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल दो दिन पहले छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के एमओजी लाइन सरकारी परिसर में एक युवती का बुरी तरह जला हुआ शव मौके से मिला था। मृतक की पहचान सारिका निवासी गंधवानी जिलाधार की रहने वाली थी, जो इंदौर में रहकर नर्स कोर्स की तैयारी कर रही थी। पुलिस के शव के पास से एक मोबाइल फोन, केरोसिन की बोतल भी बरामद की थी। मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चैटिंग में पुलिस को कुछ ऐसे तथ्य मिले, जिसके चलते जयप्रकाश बघेल नामक रायसेन पदस्थ पुलिसकर्मी द्वारा उसकी पिछले 3 सालों से जान पहचान थी। वहीं युवती पर भी काफी शक जाहिर करता था, जिसके चलते प्रताड़ित होकर युवती ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। मोबाइल में मिली चैटिंग के बाद पुलिस ने रायसेन पदस्थ पुलिसकर्मी जयप्रकाश बघेल के खिलाफ धारा 306 आत्महत्या के लिए प्रेरित करना मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 12/11/2021 को लड़की सारिका ने धास्टर डाल के आत्महत्या कर ली थी। उसकी जांच में से आरोपी जयप्रकाश के खिलाफ 306 का मुकदमा कायम हुआ है। जयप्रकाश पुलिसकर्मी है रायसेन जिले का, जिनसे उनकी फ्रेंडशिप थी और उनके ही द्वारा प्रताड़ित करने पर लड़की ने आत्महत्या कर ली है। अभी तक की जांच में पाए जाने से उसके खिलाफ कायम की गई। किसी और पर भी शंका जाहिर थी उनको, इसलिए जो उनको कह रहे थे मेरे अलावा किसी बातचीत करती है और इस तरह से उसके किसी और से शंका करने के आधार पर उसने जो है सुसाइड कर लिया। हाँ, चैटिंग मिली है, उसकी चैटिंग है, उसके आधार पर मुकदमा कायम हुआ है जिसकी जांच चल रही है अभी। उसी बेल्ट की कुक्षी तहसील की रहने वाली थी, गंधवाने के थे, पड़ोसी होने के नाते पहले से जान पहचान थी। करीब 3-4 साल से उनकी फ्रेंडशिप थी और एक दूसरे मिलते जुलते रहते। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।